बॉस्टन एयरपोर्ट फाइनली पहुंच गए थे। कंपेयर नहीं कर रही बट मैं बता रही हूँ कि किस तरह से बॉस्टन एयरपोर्ट फाइनली पहुंच गए। फाइनली हम बॉस्टन पहुंच चुके हैं और घर भी पहुंच चुके हैं और बाहर का मौसम इतना अच्छा हुआ पड़ा है ना, और यहाँ से इनके घर का व्यू जो है वो भी बहुत ही मस्त है। ये सारा बाहर का इनका व्यू और कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कितनी शांति है। तो आज इस व्लॉग का एंड यही करती हूँ और अब हम US पहुँच चुके हैं। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज़ बहुत अच्छी आने वाली है। जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे साथ साथ आप भी चलते रहें, और अपडेट के लिए मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना, उसमें पता चलता रहेगा लेटेस्ट, क्योंकि व्लॉग कई बारी थोड़ा लेट भी हो पाते हैं, एडिट जब होंगे तो वो मैं डालती रहूँगी और कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी डाल सकूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नीता से का व्लॉग के अंदर फिर से आपका स्वागत है। और आज एक नए दिन में, और मैं कहाँ पर हूँ, बॉस्टन के अंदर हूँ। बॉस्टन की दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर जो मौसम हुआ हुआ है वो इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है। कल तो आने के बाद, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी तो थक गए थे, आकर मैं सो गई थी खाना वाना खाने के बाद और जल्दी ही हम लोग सो गए थे। अब देखो आज के दिन पता चलेगा जेट लैग होता है कि नहीं होता है, लेकिन कल तो 7:30 सोए, सुबह 6 बजे उठ गए। यहाँ पर रात भी बहुत लेट होती है क्योंकि रोशनी काफ़ी रहती है काफ़ी देर तक, और सुबह भी रोशनी जल्दी हो जाती है। तो अभी हुआ है टाइम, सुबह के 7:45 हैं और यहाँ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही है, बट मुझे ये सिटी और ये एरिया इतना अच्छा लगा, आपको दिखाती हूँ। इतना शांत सिटी सुबह के टाइम में, कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं और सब अपना इतनी शांति से आराम से गाड़ियाँ जा रही हैं, इतना तो कभी हमने अपने शहर में नहीं देखा है। और थोड़े थोड़े सूरज देवता अपने दर्शन दे रहे हैं, हल्की हल्की रोशनी हो रही है, बट थोड़ा मौसम आज का ऐसे ही लग रहा है कि बारिश होगी। और बाकी जो है वो बच्चों के उठने के बाद प्लान होगा कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, क्या प्लान आज का बनता है। आज तो आसपास ही जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम लोगों का कैसा रहता है कि दिन का जो है, तो मैं साथ साथ आपको भी घुमाती रहूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर। दो ट्रेडमिल है और एक साइकिलिंग के लिए भी है, इधर भी ये दो, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये वेट्स वगैरह पड़े हुए हैं और भी ये भी कुछ जिमिंग के लिए है, वेट्स वगैरह उठाने। और इसके बाद आपको और दिखाती हूँ, यहाँ पे योगा रूम, वेरी नाइस योगा रूम। और ये हमारा कर्मू यहाँ योगा करने के लिए आया है, ये देखो यहाँ से योगा मैट्स पड़े हैं, थोड़ा साफ और सब कुछ इतना सुंदर है ना, ब्यूटीफुल। ये बॉल्स योगा के लिए और ये मैं और गुन्नू, अभी हम ऐसे ही बने हुए हैं, अभी हम जाके तैयार होंगे फिर मार्केट के लिए निकलेंगे और उसके बाद आपसे मिलूंगी। इस क्लब रूम में भी ये बिलियर्ड टेबल लगी है,
यहाँ पे पार्टीज वगैरह भी आप कर सकते हो। एवरीथिंग इज सो नीट एंड क्लीन ना। बाहर का एरिया भी है बट वो वहाँ पर जो है ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी उधर भी हम गए थे, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। उसके अलावा यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है इनके घर के पास, इट्स लुक लाइक अ होटल। ये लॉबी इनकी पूरी जैसे किसी होटल में ही बैठे हो। ये हमारी फर्स्ट डे की वॉक शुरू हुई है यहाँ से जाने की, और अभी हम कुछ इस तरह से तैयार होके, लेकिन जैकेट डालने का मौसम है यहाँ पे, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल। यहाँ से हमें वॉक करके जाना है मेट्रो स्टेशन तक, और इतना सब कुछ सिस्टमेटिक है ना, आप पैदल चल के जा रहे हो तो आपके लिए गाड़ी वाले सब वेट करते हैं। ये नियर बाय फार्मेसी है, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे थी घर से, और साथ में ये स्कूल भी है। तो अभी वॉक करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। यहाँ से वॉक करते करते हैं, और सब कुछ इतना क्लीन और नाइस। मैं यहाँ बैठती हूँ तो तुम लोग लेकर आओ। एक चीज़ जो मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी है कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है और गाड़ी उसे कुछ डिस्टेंस पे ही रुक जाती है, पहले वो उनको पास होने की जगह देते हैं, उसके बाद वो खुद चलते हैं। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट पार्ट लगा, और कहीं पर आपको कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही, कि सबको जो है वो आदत पड़ी हुई है पूरा साफ सिटी रखने की। ओके, तो वॉक करने के लिए कितनी सारी जगह बनी हुई है शॉप्स के आगे। कंपेयर नहीं कर रही बट मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हम सिटी को अपने प्लान कर सकते हैं और सब चीज़ों को। अभी हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है, और मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों को कुछ काम था, और मेरे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा वॉक करना ब्रिस्क वॉकिंग थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैं यहाँ बैठ के उनका इंतज़ार करूँ, फिर हम आगे मेट्रो स्टेशन के लिए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन में तो बैठ चुके हैं हम, ऑल्टन से अभी एसएमडी मतलब दो स्टेशन दूरी है, और वहाँ के लिए हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन मेट्रो ट्रेन से। मेट्रो से निकलते ही यहाँ पर हमारे को विंड मिल दिखाई दिया, तो हमने सोचा थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर ली जाए। कितनी बड़ी विंड मिल है यहाँ पर, वेरी नाइस। अब हम जाने लगे असेंबली मार्केट। असेंबली मार्केट मेरे छोटी भी बहुत खुश हो रहा है मार्केट आकर। असेंबली रो ये शॉपिंग एरिया है, ओपन मार्केट है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो फैक्ट्री आउटलेट से, तो अभी किसी शॉप में जाएंगे तो देखते हैं। ये है पूरा मार्केट एरिया, इधर भी उधर भी शॉप्स हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि ये एरिया वॉक के लिए जो है आपके पास बहुत स्पेस है, सब कुछ इतना नीटली पार्क्ड है, गाड़ियाँ कोई हसल बसल नहीं। ये लेगो स्टोर है, और आजकल ये चले हुए ना, ये कितना बढ़िया ये जिराफ लेगो से बना हुआ है, और ऐसा मैंने कहीं और भी। यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेकफास्ट और लंच करने के लिए आए हैं, तो अभी मार्केट में थोड़ा सा घूम लिया, एक शूज़ खरीदा है, जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पे ज़्यादा तो भीड़ नहीं है क्योंकि अभी लंच टाइम ऐसे परफेक्ट भीड़ वाला टाइम भी यहाँ पे इवनिंग में ज़्यादा होता है। आउटसाइड सिटिंग भी है, लेकिन हम बैठे नहीं बाहर, ये अंदर क्या भी है। ये है चिकन टेंडर्स विद मेयोनीज, ये दो तरह की हमारी ड्रिंक। लंच करने के बाद हम भी वापस से यहाँ बाहर निकल आए हैं, और ये पीछे देखो मेरे कितना अच्छा व्यू है।
ये लीक है या क्या हो, देखो यहाँ पे ये रैबिट। कैसी डॉग, ओ ओ ओ फ्लाई कर गई है हमसे भाग गई। इसके अलावा भी यहाँ, और ये ऊपर के ऊपर का देख, क्लाउड्स देख जरा, बीच बीच में से धूप आ रही है और क्लाउड्स का ये देखा है कैसी बैठी हुई है डक। यहाँ पर ये लोगों के पर्सनल यॉट है और इतनी बड़ी लेक। माय गॉड, थोड़ा सा हम यहाँ पर रुके हैं फोटो सेशन के लिए, और यहाँ से दिखाती दूर तक। अभी जाने लगे ये ट्रेडर्स ओएस एक्सफिनिटी पर, ग्रॉसरी स्टोर है। आज हम बॉस्टन की एक मार्केट में घूम कर आए और काफ़ी अच्छी मार्केट थी, वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। जैसे जैसे वो हो गए ना, पहनूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कुछ खास ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत घर घर का सामान लिया, जैसे होम सेंटर टाइप की एक उसमें शॉप पे गए, शूज़ लिए क्योंकि यहाँ पे तो वॉकिंग बहुत हुआ करेगी ना। तो अभी जो है आज के इस दिन वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कल हम डे टू डे जहाँ पर भी जाएँगे तो मैं आपके साथ सुबह फिर मिलूँगी। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल नीता सिक्का व्लॉग, और इसके साथ ही इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लो ताकि आपको आने वाली जो वीडियोस है, वीडियो तो थोड़ी लेट आएगी ऑब्वियस है कि जैसे जैसे टाइम मिलेगा। अभी कोशिश आज यही की कि हमें जेट लैग ना हो और सुबह हम मार्केट में घूमाएँ, और अभी भी सोए नहीं है ताकि रात को ही एक बार सोएँ तो फिर वो रूटीन में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिलहाल अभी यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, और ये तो अच्छा है कि हम जैकेट्स वगैरह सब पहन कर गए थे, और इतनी चिल्ड अभी भी वो चल रही है। अब मैं बस थोड़ा रेस्ट करूँगी चाय वाय पीने के बाद, इसलिए अभी इस वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है थक गए तो फिर कभी भी नींद आ गई तो सो जाएंगे। तो कल मिलती हूँ आपसे, बाय बाय एक नई सुबह के साथ। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना यूट्यूब चैनल को। बाय।